मंदिर में कम से कम 2 लाख आदमी तो पक्का प्रेजेंट होगा भाई अभी इसी वक्त। हर हर महादेव। सो फाइनली 2 दिन का ट्रिप पूरा हुआ हमारा और 2 दिन के बाद हम फाइनली पहुंच गए बैजनाथ धाम देवघर। सावन का महीने का ये दूसरा सोमवार है तो आप भीड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना ज़्यादा होगा। तो आप भीड़ देखो भाई कितना ज़्यादा है। सुबह यहाँ का जो गेट खुलता है वो 4 बजे खुलता है लेकिन आज जो है 5 बजे खुला है, आज 1 घंटा लेट खुला है। और हमारे जो भैया यहाँ पे बगल में ही रहते हैं तो हम अभी उनके रूम से नहा धोवा कर आ रहे हैं। 9 बज रहा है अभी, 9 बजे भाई भीड़ देखो। और ये भीड़ बोला जा रहा है कि आज जो है सोमवार है तो आज भीड़ ख़त्म होने वाला है नहीं, आज पूरे दिन भीड़ रहेगा भाई, भीड़ देखते जाओ आप। और वेदर जो है ना आज थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ऐसे धूप हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम आए थे, पीछे देखो बैनर। एक तो सावन चल रहा है, सावन में ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ऊपर से अभी जो हमारे देश के पीएम है ना मोदी जी भी आए थे यहाँ कुछ दिन पहले, यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो इसलिए ये और ज़्यादा अभी खूबसूरत सजाया गया भाई। और जो व्यवस्था है ना देखो रोड पे, रोड कैसे क्रॉस कराया जा रहा है, रोड को पहले ब्लॉक कर दिया जा रहा है उसके बाद कांवरियों को रोड क्रॉस कराया जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पानी बम पानी, भरपेट खाना पीना खिला रहे भाई, भूख लाइन में नहीं लगेगा, लाइन जो होता है 4-5 घंटा का होता है ना, इसीलिए यहाँ खाना पीने का व्यवस्था है। गवर्नमेंट के तरफ से ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये लोग जो जो खुश है ना वो अपने तरफ से कर रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है तो आज जो लाइन जनरली क्या होता है शाम तक लाइन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ये जो सावन का दूसरा सोमवार है तो आज ऐसा बोला जाता है 3 लाख लोग आने वाले हैं, तो यहाँ लाइन आज रात तक ख़त्म नहीं होगा क्योंकि सभी के मन में ये होता है ना कि सावन के सोमवार को कैसे भी मैं जल चढ़ा दूँ, सबका यही एक ख्वाहिश रहता है। लाइन में एकदम बांटते जा रहे लोग फल, पीछे देखा वहाँ, फिर यहाँ पानी, फिर देखो यहाँ पर। पूरा रास्ता आपको कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा। लाइन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, बोला जा रहा है आज ये लाइन खत्म नहीं होने वाला जलाशन हो जाएगा। एक आवश्यक सूचना, राम भाई कृपया ध्यान दें, राम बाबू सा रुद्र सा एवं सरिता देवी, आप जहाँ कहीं भी हो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है
तो आपके साथ ही हम लोग डायरेक्ट टेम्पल में चलते हैं। लाइन बहुत ही लंबा है, लाइन से हम जा नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, पीछे से जाते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, हमने जो लाइन पीछे छोड़ के आया है, ये पूरा आप लोग देवघर घुमा कर ये लाइन फिर से देखो यहाँ से पार हो रहा है। मतलब वो सेम लाइन को उधर दो तीन राउंड मरवाया जा रहा है, फिर इधर लाया जा रहा है। भाई इतना लंबा लाइन है ना, पूछो मत। तो हम सीधा मंदिर की ओर ही चलते हैं, हम इतना नहीं घूमते। कम से कम आज लाइन में 4-5 घंटा लग जाएगा। और अंदर आपको दिखाते हैं, अंदर आप मंदिर पर भी नहीं जा पाओगे आज, इतना भीड़ है। बैजनाथ धाम के हम बैक साइड पहुंच गए और भीड़ देखो भाई, ये लोग जल चढ़ाकर बाहर आ रहे हैं। और देखो आज जो भीड़ कम होने का नाम नहीं लेने वाला। हम लाइन से नहीं जा रहे भाई, लाइन बहुत लंबा है, हम उधर से नहीं जा पाएंगे। ये जो लाइन आ रहा है ना पीछे, ये मंदिर से आ रहा है। हमारे साथ जो है वो भैया, तो इनको शॉर्टकट पता है, तो हमें ये शॉर्टकट से ले जा रहे हैं। इधर पूरा खाली है भाई। फाइनली हम बैजनाथ धाम पहुंच गए। तो पीछे जो लाइन था ना, वो घूम घूम कर देखो कहाँ तक आया है। कुछ बोल पाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ नहीं बता सकता भाई, देखो आराम से। मंदिर में कम से कम 2 लाख आदमी को पक्का प्रेजेंट होगा भाई, अभी इसी वक्त मंदिर के अंदर कैंपस होगा। ऊपर लाइन देखो, ये लोग पूरा मंदिर के पहले बाहर घुमाएंगे, फिर आपको मंदिर के ऊपर आके सीढ़ी में घुमाएंगे। ये लोग कम से कम कल परसों से लाइन में होंगे, तब अभी तक यहाँ तक पहुँचे। सोमवार को जल ढलना भाई बहुत मुश्किल है। भाई पुलिस वाले यहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, बिना मतलब का गुस्सा निकाल रही है कांवड़ियों पर। पुलिस वाले जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि कांवड़िया जो किसी का बात नहीं सुन रहा, उनका जो मन कर रहा है वो कर रहा है भाई। भी बोल के लिए
मंदिर इधर है। पीछे आप जो देख रहे हो यही मेन बैजनाथ मंदिर है जो यहाँ का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये देखो पीछे बाबा धाम और ठीक इनके ऑपोजिट में जो है ये है सर, ये है पार्वती जी का मंदिर। ये देखो में डाल दे कहाँ जाएगा मरने का शौक है तो बोल। मंदिर में इतना भीड़ हम तो जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ बगल में एक मंदिर है वहां पे जल अभिषेक। मंदिर का बैक साइड है, इधर इधर भीड़ बहुत कम है, अगर उधर के हिसाब से देखा जाए तो इधर भीड़ है ही नहीं भाई। उधर जो भीड़ है भाई, मतलब हम एक मिनट वहाँ रुके थे ज़्यादा, उसी में हमको वहाँ से हटना पड़ा। जल हम चढ़ा नहीं पाए, तो एक और यहाँ पे शिवलिंग था बाहर में, हम लोग वहीं जल चढ़ा दिए, फिर से हम महादेव के पास आ जाएंगे ऑफ सीजन में। इतना भीड़ है भाई, कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। एग्जिट करते हैं अब हम मंदिर से भाई, क्राउड इतना ज़्यादा है ना, हम थोड़ी देर से ज़्यादा रुक नहीं पाए अंदर, तो अब हम बाहर की ओर निकलते हैं, देखते हैं और यहाँ कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ एक शिवगंगा है, हो सके तो शिवगंगा की ओर चलते हैं। पूजा हमने जैसे तैसे भी कर लिया थोड़ा बहुत, अब यहाँ से पेड़ा लेते हैं और घर की ओर निकलते हैं। देखो पेड़ा, हाँ भैया चना दाल बोरी वो पढ़ने हैं यहाँ बोरी चना दाल बोरी है क्या चुरा अभी 400 दाम चल रहा है अभी पहले।
इसको दोना बोलते हैं। हाँ दोना 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 ही है दोना। ये पकड़ी ये काम करो इसको ऐसा अभी तक हम YouTube वीडियो में हम देखे ही थे पहली बार कर ये दूसरा दोना और एक सुबह का ये फेवरेट डिश जो हम लोग नाश्ता करते हैं कचौड़ी सब्जी और जलेबी। जलेबी थोड़ी देर बाद हाँ थोड़ी देर बाद हम लोग कहाँ पे हैं हम लोग ये हम लोग मंदिर के जस्ट पीछे वाली गली में पश्चिम गेट छिलका भैया खूब किए हैं छिलके में टेस्ट है ना गजब लग रहा है बता नहीं सकते हैं भूख इतना लगा पहले खाते फिर भी बता यहाँ का ये जो जलेबी ना बहुत ही फेमस है साइज देखो कितना छोटा है भाई इतना अच्छा लगा ना कचौड़ी हमें आठ खा गया भाई सोच रहे हम आठ कैसे खा गया दर्शन हुआ या नहीं हुआ आठ कचौड़ी हो गया दर्शन हुआ या नहीं हुआ खाना पीना जबरदस्त हमारा हो रहा है जलेबी देखो साइज सावन में आओगे तो आप शायद पूजा नहीं कर पाओगे लेकिन खाना जो है ना सावन में आओ या विदाउट सीजन आओ खाना आपको भरपूर मिलेगा बोल बाम बोल बाम बोल बाम